रात के बज रहे हैं 12, सारा दिन मैं ऑफिस में था, 11:15 बजे आया हूँ, 12 नहीं बज रहे हैं, 12:39:40 हो रहे हैं, 11:15 बजे आया था मैं और 2 घंटे मुझे पास भी हो गए हैं, मतलब 1.5 घंटा पास हो गया, पता भी नहीं चल रहा है। मैंने फलाहार कर लिया है, एकादशी का दिन है आज, कल सुबह सुबह मेरी 7 बजे कैब आने वाली है, जिसके लिए मैं 5:30 बजे जगूंगा और जिसकी तैयारी चल रही है यहाँ पे मेरे कपड़े आयरन करने के। एक नया एडिशनल वर्क हम लोगों की जिंदगी में आया, कपड़े प्रेस करना, कभी मम्मी कभी मैं। ऐसा हो गया क्योंकि पहले तो दे दिया करते थे बाहर प्रेस करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि घर इस तरीके का है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा रेगुलर के चले जाते, क्योंकि मैं तो सिर्फ टी शर्ट ही डालता हूँ मोस्टली, अभी क्लाइंट विजिट है तो इसलिए फिर क्या है कि मतलब शर्ट्स वगैरह डाल के और उसके बाद फिर जाना पसंद करता हूँ, है ना। व्हाइट शर्ट है तो काफी ध्यान के साथ जो है करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, है ना, व्हाइट शर्ट और ये मेरी डार्क ग्रीन ब्लैक पैंट है जो मुझे बहुत पसंद है, इसमें मुझे बेल्ट भी नहीं लगानी पड़ती और एकदम टाइट रहती है। अच्छा ये लगता है कि मुझे इसकी ये वाली क्रीज नहीं बनानी पड़ती है जो स्कूल पैंट में बनानी पड़ती है। एब्सोल्युटली हां, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, इजीली प्रेस हो जाएगी, 2 मिनट में हो जाएगी, है ना। हाँ। और सुबह इन्हें जाना है 7 बजे तो उठना पड़ेगा 5 बजे, सिर्फ इन्हें ही नहीं मैं भी उठूंगी, क्योंकि द्वादशी है तो जबरदस्ती नहीं थी, मैं बता रही हूँ इनकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम मेरे लिए जो है 5 बजे उठ के लंच पैक करो, पर एक आदसी का व्रत है तो पारण तो घर से करके ही जाएंगे, दाल चावल सब्जी बनानी ही है तो साथ में 5 रोटी भी बना देंगे, थोड़ा सलाद रख देंगे, कुछ ना कुछ तो एडिशनल हमारे फ्रिज में रखा ही रहता है कि मैं इनका अच्छे से लंच पैक कर दूंगी। Absolutely. और पता नहीं क्लाइंट का आना जाना है कब आएंगे, दिन रात में भी डिनर के टाइम पे भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो इस वजह से नहीं, बिल्कुल 8 बजे की कैब है वहाँ से, मतलब मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे 9 बजे से पहले। अच्छा, और 8 बजे शाम को चलूंगा, यानी 11 घंटे तो सिर्फ मुझे ऑफिस में ही हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो। ये 2.5 साल जो घर पे बैठ के किया है आप लोगों ने और अब जो जा रहे हैं तो अच्छे से जो है काम लिया जा रहा है, हाँ निचोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफिस मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि क्लाइंट आ रहे हैं तो उनकी टाइमिंग के हिसाब से हमें खुद को सूट मतलब खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा है, और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि कभी कभी का टाइम होता है, और उनके लिए ही तो काम कर रहे हैं तो उन्हें तो हैप्पी रखना भाई मस्त है। बिल्कुल सही बात है, कार्तिक इधर जब तक अपनी जगह में मेरे 1 बजे तक, ये देख लीजिए आप केशव कार्तिक दोनों जगह में मेरे, ये मेरे बगल में बैठे भी मिलेंगे, मैं किचन में रहूंगी वो वहाँ भी मिलेंगे, मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ भी मिलेंगे, और कार्तिक के केशव की आंखें बिल्कुल लग रही हैं ऐसी जैसे, कार्तिक की एक नई बात बताती हूँ, जैसे ही कार्तिक मेरे आसपास के एरिया में आते हैं कहीं ना कहीं कार्तिक को चोट लग जाए, दर्द, मम्मी मेरे आज यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मी आज मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, ताकि मम्मी सारे काम छोड़ के सिर्फ इस पे ध्यान दें, ये सच है, सच है, किसी से भी पूछ लो घर में। और हमारे पापा अभी तक 1 बजे में सोए नहीं है, ये एक राज की बात है कि वो 1:30-2 बजे तक सोते नहीं, साउथ की मूवी देखते रहते हैं, अभी भी आप नोटिस करेंगे कि बैकग्राउंड में जो है मूवी की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कूलर की आवाज़ के अलावा मूवी की आवाज़, ठंडा हो रखा है घर एकदम, बिल्कुल चिल्ड हो रखा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हमारा हिल रहा है, पंखे को एकदम डुला रखा है हमने, यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी, घर में आप सारे घर के पर्दे देख लीजिए, सारे एकदम डांस कर रहे हैं, बिल्कुल पर्दे एकदम डांस करते रहते हैं हमारे घर के हमेशा ही, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है, अभी के टेम्परेचर में ऐसा है, आई होप के बाद के टेम्परेचर में भी बहुत ही अच्छा नहीं, आज दोपहर में थोड़ा सा फील हो रहा था जैसे कि मम्मी कमरे से निकल के आ गई थी, उनका कमरा सारा दिन ठंडा रहता है, बेसिकली हुआ क्या है, मैंने जो घास लगाई है ना वो घास पूरी नहीं है इसके ऊपर, इतनी बड़ी घास नहीं है, इस वीकेंड पे मैं कोई घास ऐसी ला के लगाऊंगा जो कि पूरी भरी रहे, फिक्स हो जाए इसके ऊपर सारी की सारी, तो मम्मी को मैंने फिर अपने अपने कमरे में बुला के और वहीं पे मम्मी को रेस्ट करा दिया, दादी कमरे में आती है तो दोनों साइड से ना, हां एग्जैक्टली, उनका कमरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, फिर हवा भी आती है तो इसलिए गर्म हो जाता है रूम, बाकी तो कूलर ने घर को जो है वो घर से एक कदम भी बाहर जाने की 1% की इच्छा नहीं होती है, है ना, क्योंकि हमारा घर घर के बाहर भारी हवा है, इतना अच्छा लगता है कि हम बालकनी में भी नहीं जाते हैं, एकदम सही, तो बालकनी में ऐसे भागते हैं कपड़े फैला के, एसी में थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है बंदा, अंदर हड्डियों में दर्द करने लगता है, लेकिन कूलर में इतना एकदम फिक्स रहता है बंदा, एकदम मस्त रहता है, सिर्फ आपका एक ही रूम ठंडा होगा, आप किचन में गर्मी से काम करते जाओगे, यहाँ पे ये लोग किचन में पसीना बिल्कुल नहीं आता है, अभी तक भी ऐसे ऐसे हम नहाए नहीं है अभी तक, थोड़ा बहुत स्वेटिंग तो काम करने में आती है, लेकिन जो किचन हमारा ठंडा है ना तो हम लकी हैं, थैंक यू, है ना,
पापा को। कूलर से पूरा घर, यहाँ से लेके ड्राइंग रूम तक, बल्कि आपको मैं बताऊंगी, दीदी जब आती हैं और गोलू जब आते हैं चादर तो वो दोनों ड्राइंग रूम में भाग जाते हैं, पूरा घर छोड़ के बिना पंखे के चादर ओढ़ के। यहाँ भी कूलर लग गया है, साक्षी की वजह से लगाना पड़ा है, वरना नहीं तो बेसिकली और गोलू को कूलर की कोई कोई जरूरत नहीं। वो लोग गर्मी में ऐसे करके पूरी गर्मी निकाल सकते हैं। देखोगे ना पंखा बंद बीच वाले सोफे पर, पता है मुझे तो यकीन नहीं होता दीदी को और गोलू को इतना स्वेटिंग होता है, इतना होता है, उसके बाद भी उन्हें पंखे की जरूरत नहीं। मैं तो जरा सी गर्मी से ऐसे ऐसे मछली की तरह तड़पने लगती हूँ। नहीं गर्मी तो अंदर से लगती है ना, स्वेटिंग होना अलग बात हो जाती है। देखो सुबह 5 बजे उठने के लिए रात को सोना भी पड़ता है, हाँ, है ना? 1 बज रहे हैं तो हम सो जाते हैं, हम बातें ही बना रहे हैं। एब्सोल्युटली मैं भी 5:30 बजे का अलार्म लगा के सोता हूँ और उठते ही सीधे क्या करना है। और किसी ने भी मुझे जाके ना इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इसलिए मैंने आज दुखी मन से आज रील्स ही नहीं डाली। अच्छा आज मैं दुखी हूँ, मैंने रील्स नहीं डाली क्योंकि बिल्कुल भी मेरे फॉलोवर्स वहाँ नहीं बढ़ रहे हैं। आप सब मुझे यही प्यार करते हैं, आप सब मुझे इंस्टा पे देखना ही नहीं चाहते। मैं सारे टैलेंट दिखाती हूँ, डांस भी करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ, कभी कभी एक्टिंग भी करती हूँ। पीछे तो इतने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग डाले हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और लोग वो ब्लाउज का लिंक मांग रहे थे, वो ब्लाउज 12-13 साल पुरानी है। 13 ईयर्स पहले मम्मी, वो भी यहाँ का नहीं है, वेस्ट बंगाल का है, रेडीमेड ब्लाउज वहाँ मिलता है। तो वैसे तो मेरे पास मम्मी के यहाँ के, वो बंगाल के तो मेरे पास कई सारे हैं, आप कभी भी देखेंगे ना तो उसका लिंक मैं कहाँ से दूंगी। सही बात है, वो लोकल मार्केट से खरीदी गई होती है। और क्या ही बताऊँ, इतना पुराना ब्लाउज है फिर भी इसे फिट आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब साफ है ना, आप समझ ही गए होंगे गाइस कि बड़े मामा जो है आप सभी के वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि फिट है, हेल्दी है अभी, है ना, मोटी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, उस टाइम के कपड़े भी आ जाते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि पापा क्या कर रहे हैं। एक झलक तो बनती है पापा की भाई। एब्सोल्युटली बिना बताए, उन्हें बिना बताए क्या कर रहे हैं पापा, जरा देखो सभी। अच्छा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो वो सो रहे होंगे, मम्मी तो सो ही रही होंगी ना अपना। मम्मी दोनों मोबाइल देखे प्लीज, ये जो मोमेंट है ना ये जरूर आपको दिखाना चाहिए, प्लीज सभी देखना चाहेंगे कि नाना नानी रात 1 बजे अपना अपना फोन। दादी पाओ ये और आवाज कहीं करो ना सही में। तो इसी तरह के बहुत छोटा सा व्लॉग बन पड़ा है, क्योंकि मैंने कहा कि भाई कल कुछ भी नहीं डलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉग बना लिया है यहाँ पे। और आप लोग प्लीज अनीता ठाकुर 1032 को जाके फॉलो करिए, द रियल अंडरस्कोर अवनीश को भी, और अपना प्यार वहाँ पे भी दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें अगर आप मतलब बोलेंगे तो और अच्छे से डांस करके भी दिखाया जाएगा। भाई आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे मैं कैसे करूँगी। बिल्कुल मोटिवेट कर दो भैया, है ना, ठीक है। मोटी दोनों का वेट बातें आप बोलो, एक ही व्लॉग में दोनों बातें बोल दो आप। मोटी का वेट कर दो देखा। है ना, तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, इनको आयरन करने देते हैं, और हम जो है वहाँ पे जाके, मैंने अलमारी फैला ली थी उसको मैं सही कर दूं, और मैं जाके सो जाऊं, कार्तिक केशव भी जाके सो जाते हैं। बस जाते जाते मम्मी पापा की झलक दिखा देता हूँ। तो सभी अपना ख्याल रखते हुए हमारे इस ब्लॉग को भरपूर प्यार दीजिए, छोटा सा जो ऐसा ब्लॉग बन पड़ा है जहाँ पे एक और काम ऐड हो गया है इनकी लिस्ट में, है ना। तो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, राधे 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 राधे। पापा को दिखाता हूँ, ये देखिए जरा पापा, की देखिए जी पापा, साउथ वाला फिल्म छे पापा, साउथ वाला फिल्म देखिए, मम्मी खराटे मार रही थी, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।